बिहार लाइवियन बीएससी सीजीएल 4 बिहार दरोगा वैकेंसी को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार लाइवियन बहाली 2024 बीएससी सीजीएल 4 बिहार दरोगा और बिहार लाइवियन बहाली पर खुलकर बोले छात्र नेता दिलीप कुमार, जल्द से जल्द बहाली निकाले सरकार, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन, बहुत जल्द होगा बिहार लाइवियन का नोटिफिकेशन जारी। तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए, जो छात्र नेता दिलीप कुमार जो सवाल करते हैं जिस वैकेंसी को लेकर, सरकार इनके सवाल को पूरे गंभीरता के साथ लेते हैं और अपने पदाधिकारी को आदेश देते हैं, अपने अधिकारी को आदेश देते हैं जल्द से जल्द ये काम पूरा कीजिए। तो दोस्तों अभी अभी देख लीजिए, ट्वीट करके छात्र नेता दिलीप कुमार मांग किए हैं जब बीएससी सीजीएल 4 बिहार दरोगा और बिहार लाइवियन की बहाली जल्द से जल्द सरकार निकाले, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, जो सीजीएल 4 बिहार दरोगा और बिहार लाइवियन की वैकेंसी कब आ रही है, विभाग के द्वारा कब नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए हम आपको बता रहे हैं दिलीप जी क्या ट्वीट करके बिहार सरकार से मांग किए हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, कल के डेट में देख लीजिए 10 सितंबर को दिलीप जी देख लीजिए ट्वीट किए, बीएससी सीजीएल 4 बिहार दरोगा और लाइवियन की वैकेंसी का इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं, बिहार सरकार को जल्द वैकेंसी निकालनी चाहिए। इस पर लोगों को प्रतिक्रिया क्या है सो देख लीजिए। एक विकास कुमार करके लिखे हैं, जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है वैकेंसी आनी एकदम से रुक गई है, ये पहला है। दूसरा देखिए क्या है, हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा कब होगी। उसके बाद अगला है, बिल्कुल अविलंब वैकेंसी होनी चाहिए। उसके बाद आगे देख लीजिए, स्टेट रिजल्ट पर भी आपको बोलना चाहिए। उसके बाद और भी आगे देख लीजिए, इलेक्शन के टाइम पे आएगा, वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है, जो सभी वैकेंसी इलेक्शन के टाइम पे आएगा। उसके बाद देखिए, आप ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, कब शिक्षा विभाग में पता किए थे लाइवियन वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ये लिखा है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, लाइवियन भर्ती को लेकर सरकार कई वर्षों से सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है, कई वर्षों से सिर्फ अखबार के कटिंग या कई देख लीजिए या कोई ट्वीट में ही लाइवियन भर्ती की चर्चा होती है, वास्तव में कुछ नहीं होता है, ये उन लाखों लाइब्रेरी साइंस डिग्री धारकों के जीवन के साथ मजाक बन गया। बिल्कुल सही बात है, और भी बहुत सारे लोग लिखे हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। तो स्थिति बिहार के अंदर यही है, क्योंकि आप लाइवियन के बारे में बात करते हैं तो 2008 से अभी तक बिहार लाइवियन की वैकेंसी नहीं आई है, जो कि देखिए 16 वर्ष हो गया है, कितना हो गया 16 वर्ष हो गया और अभी तक बिहार लाइवियन की बहाली नहीं आई है, ठीक है। लगातार पेपर में आप देखे रहिएगा, लगातार आपको शिक्षा मंत्री कभी बयान आएगा, कभी नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे जहाँ बिहार में बिहार लाइवियन की बहाली आएगी। इस बार जो मानसून सत्र चल रही थी उसमें भी आवाज़ उठाया गया था बिहार लाइवियन बहाली को लेकर, जो संदीप सौरभ जी है माले के विधायक, उनके द्वारा सवाल किया गया था, फिर भी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है कि बिहार लाइवियन की बहाली कब आएगी, कितने पदों पर ये बहाली निकल के आ रही। उसके बाद सीजीएल 4 की वैकेंसी बताया गया था 2024 में जनवरी में ही आएगा, और अभी आपको ही पता है जो सितंबर चल रहा है और अभी तक बहाली नहीं आई है, जो सचिवालय में जब स्टाफ ही नहीं रहेगा, क्योंकि सचिवालय से ही सब कुछ चलता है, सचिवालय में स्टाफ ही नहीं रहेगा तो कैसे बिहार का विकास होगा। उसके बाद बिहार दरोगा की भी बहाली नहीं आ रही, सभी बहाली अभी अटकी हुई, और सरकार आश्वासन दे रहा है हम 12 लाख रोजगार दे रहे हैं, जहाँ पे हम 10 लाख नौकरी दे रहे थे वहाँ अभी हम 12 लाख आपको नौकरी दे रहे हैं, और जो कि आरक्षण भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है अभी आरक्षण भी क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी सरकार कह रहे हैं हम 12 लाख नौकरी दे रहे हैं। कैसे 12 लाख नौकरी देंगे, फॉर्म निकलेगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर जो है पीटी मेंस, तो कैसे आपको हो जाएगा 12 लाख आप पूरा देंगे, सिर्फ कहने और न्यूज़ पेपर में देने और भाषण देने से नहीं होता है, धरातल पर वैकेंसी निकालिए, उसके बाद ही जो है सभी स्टूडेंट विश्वास करेंगे हाँ आप जो है रोजगार दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी यही अपडेट निकल के आई है, और आज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेके फाइनल सुनवाई है, तो देखिए क्या कुछ अपडेट निकल के आती है आरक्षण को लेके, फिर अलग से हम आपको वीडियो बना के अपडेट कर देंगे, अभी जो अपडेट निकल के आई यही हम आपके बीच शेयर कीजिए। अब देखते हैं दिलीप जी की बातों को कितना असर होती है, सीजीएल 4 बिहार दरोगा और लाइवियन की वैकेंसी कब आती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, अभी जो अपडेट निकल के आई वही हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही
CGL4 बिहार दरोगा और बिहार 11 की बहाली के बारे में जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।